अपडेट है टी न्यूज उत्तर प्रदेश द नेटवर्क ऑफ टेक्नोलॉजी वर्ल्ड। धर्मशाला बाजार की रामलीला श्री राम के राज्यभिषेक के साथ संपन्न। गोरखपुर 23 अक्टूबर प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि द्वारा करने को चरितार्थ करते हुए आचार्य पंडित सच्चिदानंद मिश्र ने जब श्री राम को राज्यभिषेक का तिलक लगाया तो समूचा जनमानस श्री राम का राजघोष करने लगा। यह दृश्य था धर्मशाला बाजार की रामलीला के अंतर्गत श्री राम के राज्यभिषेक का। इस क्रम में सबसे पहले श्री राम माता जानकी के साथ समिति के सदस्यों और पदाधिकारियों ने समस्त देवी देवताओं का आह्वान कर पूजन व हवन किया। तत्पश्चात श्री राम माता जानकी के साथ सिंहासन पर विराजमान हुए। यहां पर पंडित सच्चिदानंद मिश्र एवं समिति के अध्यक्ष शिव शंकर दुबे सहित समस्त पदाधिकारियों ने श्री राम को तिलक लगाने के पश्चात फूल माला तथा धूप आदि समर्पित कर उनकी आरती उतारी। इस क्रम में समिति के अध्यक्ष शिव शंकर दुबे द्वारा प्रमुख सहयोगियों को सम्मानित एवं पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर समिति के पदाधिकारी शिव शंकर दुबे, सत्यनारायण प्रसाद गुप्ता, शशांक शेखर त्रिपाठी, सच्चिदानंद पांडे, डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह, राजन चौरसिया, शिव शंकर गुप्ता, विजय तिलक पोरी, दुर्गेश गुप्ता, रवि प्रकाश मिश्र, सचिन गुप्ता, राकेश गुप्ता, हरिनाथ शर्मा, कृष्णकांत गुप्ता, दुर्गेश कोरी, मनीष जायसवाल, ब्रजेश कसौधन सहित अन्य श्रद्धालु जन उपस्थित रहे। राज्यभिषेक संबंधित मंच प्रधान एवं अन्य व्यवस्था राजन चौरसिया, राकेश गुप्ता तथा सत्येंद्र सिंह की देखरेख में किया गया। मंच का संचालन व आभार ज्ञापन महामंत्री डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिंह के द्वारा किया गया। इसके साथ ही इस वर्ष की रामलीला का समापन हुआ। श्री रामलीला पीछे है ना, इस धर्मशाला बाजार के समिति धर्मशाला बाजार के रामलीला मैदान पर शुरू हुआ था। उसके बाद वहां पे 16 तारीख को रावण संसद बहुत ही समिति के पदाधिकारी सहित धर्मशाला बाजार की सम्मानित जनता बड़े ही उत्साह के साथ सभी पदाधिकारी और सदस्यगण मेरा निवेदन स्वीकार करने का। आज अंतिम दिन राजगद्दी का भक्तमिलाप किराए पे कार्यक्रम संपन्न हुआ। की व्यवस्था समिति के द्वारा की जाती है तो पदाधिकारी गण कार्यक्रमों से वे अपना पुरस्कार पाएंगे, उनका उत्साहवर्धन होगा। इसके बाद बैंड जो रथ के साथ लगता है और हमें समय समय पर और भी उपस्थित है सगुन बैंड के प्रोवाइडर अगर हो तो उपस्थित हो और अपना पुरस्कार लें सगुन बैंड वाले। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चंद्रिका प्रसाद में स्मृति समिति का पुरस्कार होते हैं। नहीं नहीं क्या सामने तो है दोनों लोग इंटू तरुण सब लोग आ गए नहीं है और किया जाता है और मनीष जायसवाल का भी पुरस्कार उन्हें दिया जाए। और इसी क्रम में दिया जाता है इसी क्रम में आप इस बाजी हाँ दो दे दीजिए सबको दो दो मिला दो दे दीजिए दो दो और अब सभी लोगों को स्पष्टता के साथ और मधुर आवाज में कम आपको एंकर मिलेंगी। ईश्वर करें कि बहुत बड़े एंकर बने और हम सब इनको बड़े से बड़े टीम में देखें। जरा एक प्रश्न आप करके इन लोगों से पूछिए कि ये भरत मिलाप जल्दी से पूछा जा रहा है। रामलीला का कार्य कैसा भी रामलीला का कार्य कैसे भी सब हुआ ये आज से ना एक 7 साल हो गया इसको रामलीला होते हुए और उसमें हम लोगों ने सारे लोगों ने बहुत सहयोग किया और अच्छा बीता। कार्यों के लिए भाई एक बार ताली से उत्साहवर्धन हो जाए। जसवाल जी किसी भी तरफ से हो प्रदान किया जाए सुनील जी को सम्मानित किया पूरी और हम राकेश कुमार गुप्ता गुड्डू जी से